कुमार सैनी, मैं आज आपको बताऊं आईजो टेस्ट किस तरीके से करते हैं। जो हमारे पास एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, इस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से आईजो और चारपी टेस्ट करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट और चारपी टेस्ट क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ मशीनें ऐसी रहती है, उसके पार्ट्स इस तरीके से रहते हैं, उसके ऊपर एकदम सडन लोड पड़ता है, वो इम्पैक्ट लोड पड़ता है, तो उन मशीनों को जो पार्ट्स रहते हैं उनको टूट ना जाए, इसलिए उनके लिए इम्पैक्ट टेस्ट करना बहुत जरूरी रहता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे ही हम लाइट जलाते हैं या मिक्सर चलाते हैं, हमारे घर के किचन में मिक्सर मशीन रखी रहती है, तो वो क्या करती है, सडनली ऐसे हम ऑन करते हैं तो सडनली एकदम इम्पैक्ट लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो घूमने चालू हो जाती है। तो वो इम्पैक्ट लोड को सहन करने की सकता होना चाहिए मटेरियल के अंदर, इसलिए उस मटेरियल का हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। उसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एक रहता है आईजो टेस्ट, एक रहता है चारपी टेस्ट। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में तो चारपी टेस्ट के बारे में आपको बताया, इसके बाद मैं आज आपको बता रहा हूँ आईजो टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हमारे जो मोटरसाइकिल रहती है, मोटरसाइकिल के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट पिस्टन ये लगे रहते हैं, तो उस पर क्या रहता है, जैसे हम एक्सलेटर देते हैं तो सडनली इम्पैक्ट लोड बढ़ता है, उसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड मूव करती है, तो उन क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड की इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर टेस्ट करने से पहले इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, इसके बारे में आपको जान लेता हूँ। सबसे पहले नीचे रहता बेस रहता है, बेस क्या करता है, इसके अंदर कास्टिंग करके बना दिया जाता है बेस को, क्योंकि बेस के ऊपर ही सारा सामान फिट रहता है। सेकंड रहता है कॉलम रहता है, ये भी कास्टिंग करके बनाते हैं, कॉलम रहता है। कॉलम के बाद रहता है दोस्तों, ये स्टैंड की पोजीशन अलग अलग रहती है। जैसे हम आईजो टेस्ट करते हैं उस समय ये स्टैंड की पोजीशन रहती है 90 डिग्री के लगभग, जैसे हम चारपी टेस्ट करते हैं उस समय इसकी पोजीशन रहती है, स्टैंड की पोजीशन रहती है 140 डिग्री के लगभग, ठीक है। इसके बाद ये पेंडुलम हैमर है दोस्तों, ये इसको पेंडुलम हैमर इसलिए बोलते हैं, ये पेंडुलम की तरह मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसको पेंडुलम हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पेंडुलम हैमर अलग अलग पोजीशन पे, जैसे आईजो का है तो 90 डिग्री पर रखेंगे और चारपी रहेगा तो आपको 140 डिग्री पर रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर स्पेसिमेन आपको बता देता हूँ, ये स्पेसिमेन रहता है, आपको दिख रहा होगा ये स्पेसिमेन क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेसिमेन रहता है ना, उसकी जो लेंथ रहती है वो टोटल 75 mm रहती है, ठीक है। इसके अंदर जो हम इसका टेस्ट वर्कपीस लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, 25 mm पर लगाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो रूट रेडियस है, ये आपको रूट रेडियस लग रही, वो रहती है आपकी 0.25 mm के लगभग, और इसका जो डाइम एंगल रहता है वो 45 डिग्री के लगभग रहता है। इस तरीके से इसकी ये स्पेसिफिकेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आज मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किस तरीके से टेस्ट करेंगे। अब जब भी आप टेस्ट करोगे तो इसकी पोजिशन को हमेशा इस पोजिशन पे लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर इम्पैक्ट लोड पड़ता है सडनली इधर से पड़ता है। तो मैं आपको पास में ले जाके बताता हूँ किस तरीके से इसके अंदर इम्पैक्ट लोड पड़ेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट रहे। तो इसमें देखो आईजोड माने आई लिखा रहता है, इसमें भी आईजोड माने आईजोड का लिखा है, चारपी माने चारपी है। तो ये फंक्शन रहता है, उससे हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद जो इम्पैक्ट आ जाएगा अब चारपी आ जाएगा, इसी तरह के यूनिट को दबा कर हम आईजोड कर लेंगे। तो हम क्या कौन सा टेस्ट कर रहा है, आईजो टेस्ट कर रहा है, तो आईजो टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी वो कितने जूल्स पर ब्रेक हो रही है। दोस्तों हमने ये स्पेसिमेन लगा दिया, देखो इसकी पोजीशन इस तरीके से कर दी और इसको टाइट कर दिया अच्छे से। अब मैं आपको इसको ब्रेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट रीडिंग इधर से आ जाएगी, इस तरीके हो जाता है। ब्रेक होने पर कितनी इसकी वो आती है, 152.5 जूल्स के लगभग इसकी रीडिंग आती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।